क्या आपस में लिया जाना चाहते हैं, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, क्या हाई स्कोर होना चाहिए, कितने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटीज के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, डिपेंड करता है आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, उनके जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर ऑप्शनल में आपने कोई पेंटिंग ली है, कोई लैंग्वेज ली है, तो वो सब्जेक्ट्स काउंट नहीं होंगे। जो मेन सब्जेक्ट्स मान लीजिए आपका नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे करके और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स मेन माने जाते हैं। तो इसी हिसाब से जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, कंप्यूटर वालों का कंप्यूटर काउंट होगा, तो इस हिसाब से आपके लिए 4 सब्जेक्ट्स मेन काउंट होते हैं, जिसमें मिनिमम 60% आपकी ईच या 55 मिनिमम होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ 60% ईच सब्जेक्ट में लेती हैं और कुछ हाई एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो 65 ईच भी लेती हैं। तो ये आपकी जो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको, और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जो है 60% एंड अबव, या डिपेंड करता है सेक्शन 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। अब यहाँ पे सेक्शन 1, 2, 3 कैटेगराइज की गई हैं 3 पार्ट्स में, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, मुंबई यूनिवर्सिटी आ गई, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, ये सब सेक्शन 1 यूनिवर्सिटीज़ में, ये इसकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है जो कि हमारे ऑफिस से आप सारा पता कर सकते हैं। देन सेक्शन 2 यूनिवर्सिटीज मीन उससे कुछ कैटेगराइज की गई हैं, और सेक्शन 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी की हैं। बच्चे ने कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, अगर उसने सेक्शन 1 में पढ़ा है तो 60% ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ ले रही हैं, इवन 55 भी ले रही हैं। लेकिन अगर आपने सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से किया है तो आपका 60 और 65 मिनिमम, सेक्शन 3 का तो 65 से कम यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। तो इस हिसाब से ये कैटेगरी बन जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से सब्जेक्ट्स में किया है और कितनी परसेंटेज है। अब आ जाती है आईएलटीएस रिक्वायरमेंट। आईएलटीएस रिक्वायरमेंट अंडर ग्रेड के लिए 6 बैंड, नॉट लेस देन 5.5 बैंड, जबकि ज्यादातर यूनिवर्सिटियां अंडर ग्रेड के लिए भी 6 ईच मांग रही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 में ले लेती हैं। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसके लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड ही रहता है। तो हमने बात करी अभी आपके जो है एडमिशन क्राइटेरिया के लिए कि आपका आईएलटीएस कितना होना चाहिए और आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए। अब आ जाता है जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स जॉब में हैं और उनकी 15 लाख के अराउंड इनकम है तो आपका केस बहुत इजी हो जाता है काम करने के लिए, क्योंकि वो ये देखते हैं कि पेरेंट्स पढ़ाने के उसमें आते हैं कि उनकी कैपेसिटी है इतनी कि बच्चे के मान लीजिए $25,000, $30,000 डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, $35,000 कुछ भी फीस हो सकती है। अब आपकी फीस 25 to 35, $40,000, $45,000 डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर। मान लीजिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, UNSW है या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जिनकी 40,000 एंड अबव भी हो सकती है, मिडिल रैंकिंग यूनिवर्सिटी की $30,000 to $35,000 और उनसे थोड़ी कंफर्टेबल यूनिवर्सिटीज़ की $25,000 भी फीस हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा पॉइंट है कि हमें यहाँ GIC की तरह कोई पैसा अकाउंट में नहीं डालना बाहर, हमने जो शो करना वो यहीं पे शो करना है। इट शुड बी 3 मंथ्स ओल्ड, जो कि कैलकुलेशन होती है आपकी 1 ईयर लिविंग एक्सपेंसेस प्लस 1 ईयर फीस। अब मान लीजिए आपकी 6 महीने की फीस आप दे रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ 6 मंथ फीस लेती हैं, लेकिन अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटी 75% की फीस लेती हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से। अभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है थोड़ा ईजी है, उससे पहले
स्ट्रिक्ट हो गए थे, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर है, आपके आईएलटीएस स्कोर प्रॉपर है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है वो ठीक ठाक है, फिर ऑस्ट्रेलिया को वीज़ा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स 3 months ओल्ड हैं, जैसे मैंने बताया था कि 15 लाख के अराउंड हम चाहते हैं कि ITR हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स हों, और अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस में हैं तो भी एक अच्छा आप वो दिखा सकते हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी होनी चाहिए, और 3 months ओल्ड फंड्स हों तो बहुत अच्छे है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ 3 months ओल्ड फंड, और कई पेरेंट्स ने अगर इनकम अच्छी है तो सेविंग करते हैं, अच्छे से सेविंग करते हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट या फिर आप एजुकेशन लोन, तीन इसमें 3 parts जो मैंने आपको बताए हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, चाहे आपके सेविंग अकाउंट में हो, चाहे आपका एजुकेशन लोन के रूप में हो, चाहे आपका फिक्स डिपॉजिट्स हो, तो आप दिखा सकते हैं। तो एक और पॉइंट बच्चे पूछते हैं कि हमने कोई लैंड सेल के पीछे एग्रीकल्चर लैंड बहुत कॉमन नहीं हुआ है, तो उनका काफ़ी पैसा बच्चों के पास आया, अगर वो आपकी फैमिली में वो पैसा है और आपके पास सारे प्रूफ हैं तो वो आप वो फ्रेश फंड भी चल जाते हैं, क्योंकि जिस फंड का प्रूफ है जो एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है, जैसे कोई लैंड सेल हुई है या कोई ऐसी चीज़ जिसको ज्वेलरी को हम काउंट नहीं करते, लेकिन ऐसी लैंड या कोई शेयर से आपको पैसा आया है, लेकिन उनके सारे प्रूफ होने चाहिए, फिर वो हो जाते हैं। तो ये आपके एडमिशन रिक्वायरमेंट मैंने आपको सारी बता दी, आईएलटीएस रिक्वायरमेंट आपको सारी बता दी है। अब आपका जो आ जाता है वीज़ा पार्ट, अगर आपकी ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो आपका वीज़ा इज नॉट ए प्रॉब्लम। दूसरा एक बड़ा अच्छा अपडेशन आया है कि 1 जुलाई से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने जा रही है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अंडर ग्रेड कोर्सेज का 2 to 4 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, मास्टर्स का 3 to 5 years का, और PhD वालों का 4 to 6 years का। ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ही बहुत लंबा है पढ़ने के बाद, लेकिन ये कुछ कोर्सेज में, जैसे आपके IT के कोर्सेज हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज हैं लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैंक, तो इसकी बहुत बड़ी एक लिस्ट है, आप जो भी मेरे पास ये वेबसाइट पड़ी प्रिज्म से हमने निकाल दी है, गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल सकती है, और अगर आपको चाहिए तो हमारा ऑफिस भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें कि इतना लंबा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट गवर्नमेंट दे रही है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको ऐसे बंदे चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ के वहाँ पे उनको हेल्प कर सकें उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, थोड़ा टाइम इंटर्नशिप टाइम काम करके और अपने लिए वर्क एक्सपोजर ले सकते हैं, कंट्री को भी उनको भी फ़ायदा है और स्टूडेंट को भी ये काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो मेरे ख्याल आज के लिए आपको मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, एक किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, मैंने लिखा भी हुआ है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस अलाउड है, किड्स अलाउड है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो, और हाल की घड़ी में बिल्कुल लेटेस्ट वीज़ास हमारे आए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, स्पाउस वीज़ा बहुत आराम से दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही जो इनकी रिक्वायरमेंट है कि स्पाउस जो है वो भी प्रॉपर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, मान लो उसको मेन कैंडिडेट है, उसकी ग्रेजुएशन है तो स्पाउस की भी ग्रेजुएशन है। हाँ, ये मास्टर्स नहीं बोलते या रिसर्च वाला नहीं बोलते कि एटलीस्ट चाहते हैं, यूनिवर्सिटियाँ चाहते हैं, एम्बेसी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ चाहती हैं कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो स्पाउस की, बच्चा साथ जा सकता है। ये जो बेसिकली बच्चे को, हाँ, 2 to 3 years का अगर आपका बच्चा हो तो उसको अवॉइड करेंगी यूनिवर्सिटियाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए मदर मेन एप्लीकेंट है तो उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई में होगा कि बच्चे की तरफ होगा, ये एक कंसिडरेशन लिया जाता है। इसलिए आप अगर बच्चा आपका 4 या 5 साल का है और हस्बैंड साथ जाना चाहते हैं तो ये आप फैमिली के साथ जा सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल आपको ये वीज़ा मिलता है। तो मेरे ख्याल मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर किए, फिर भी अगर कोई, क्योंकि कितने क्वेश्चन होते हैं कि ये एक कभी भी एक गाइडलाइन नहीं हो सकती सबके लिए, हर स्टूडेंट की हर कैंडिडेट की अपनी अलग अलग
कहानी होती है जो कि हमारे साथ डिस्कस करते हैं, फिर हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर हैं वो आपको बताते हैं। हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बाहर से, कहीं से आप गल्फ से कॉल करना चाहते हो, आउट स्टेट कॉल करना चाहते हो, या आप किसी और कंट्री से कॉल करना चाहते हो, तो आजकल सारा कुछ जो है ई वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। आप हमारे साथ जूम मीटिंग 30 मिनट्स तक की हमारे साथ आप फिक्स कर सकते हैं। उसमें हम आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको गाइडेंस दे देते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बताते हैं, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। तो आप हमारे से वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू वांट आवर सर्विसेज। थैंक यू सो मच।